देर रात को इंदौर इच्छापुर हाईवे के निकट तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ग्राम मोटका में घर के आंगन में मवेशी के पास तक तेंदुए के पहुंचने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्राम मोटका ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी सहित आसपास के ग्रामीण लोग एवं तीर्थ यात्री रात भर आना जाना करते हैं। हालांकि अभी तक तेंदुए ने कोई नुकसान नहीं किया है। पिछले दो माह से इंदौर इच्छापुर हाईवे के इर्द गिर्द तथा ग्राम मोरखड़ी थापना भोगावा के आसपास खेतों में कई ग्रामीणों ने तेंदुए को देखा है। शीघ्र ही वन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने क्षेत्र के सभी लोग को सतर्क रहने के लिए कहा है। रेस्क्यू अधिकारी टोनी शर्मा ने मौके से तेंदुए के पंजे के निशानों की जाँच की, तब उससे पुष्टि हो गई कि यहाँ पर रात्रि में तेंदुआ ही आया था। अकबर बाबर करके जी हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, जिनका खेत ही है। इनका फोन मुझे एक घंटे पहले आया। हम लोगों ने कोई रात को, हमारी परिवार वालों ने यहाँ पर एक रात को कोई जानवर देखा है, तो उसको ट्रेस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम लोगों ने उसको ट्रेस किया है, वो एक लेपर्ड है, और उसको लेपर्ड कन्फर्म लेपर्ड है वो। और हम लोगों ने यहाँ पर अभी अलर्ट जारी भी करने का बोला है। अब मैं अपने अधिकारियों को सूचना दूंगा यहाँ से कि वो जैसे भी आके यहाँ कार्रवाई करें, पिंजरा लगाना है तो पिंजरा लगाएंगे, और उसको जल्द से जल्द पकड़ के यहाँ से बिहार भेजा जाएगा। देखिए, हमने अभी पग मार के निशान लिए हैं, तो उसको सर्च किया, उसको पाया गया तेंदुए के निशान लगभग पाए जा रहे हैं। और ये जंगली जानवर इधर उधर आता जाता रहता है, भग जाता है। ग्रामीणों को सूचना दी गई है, ग्रामीणों के पंचायत के माध्यम से सचिव को फोन करके बुलाया गया, उनको समझाया गया है। ग्राम कोटवार को बताया गया है कि शाम को मुनादी करके ग्रामीणों को सचेत रहने के लिए निर्देश करें और मुनादी करवाएं और सावधानी बरतें। बाद में जैसे भी हमें पता लगे, ग्रामीण को लगे, हमें लगे, सूचना तुरंत दें। विभाग के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी उसको पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट।